हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टूवर्ड्स सक्सेस में। और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपने देखा भी होगा, प्रमुख फिल्में और उनके किरदार से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में, उसी के पर्पज़ से पूरी वीडियो आपके लिए बनाई गई है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो मूवी हो सकती हैं और उनके किरदार कौन है और किसने किस का किरदार निभाया है और उनके डायरेक्टर क्या है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करेंगे। और यहाँ से मुझे लगता है कि आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके अंदर एक प्रश्न कंफर्म हो जाएगा आपका पक्का। तो यहाँ पे अगर पीडीएफ की मैं आपसे बात बताऊँ तो आपको इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो उसका जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर शाम के टाइम में आपको पीडीएफ अवेलेबल कराता हूँ, तो आप उससे जुड़ जाइएगा। और आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली मूवी आप यहाँ पर देखिए अक्षय कुमार की है, पैड मैन, ठीक है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है कि इसके डायरेक्टर कौन है, तो ये डायरेक्टर हैं इसके आर बल्की। और यहाँ पर मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर इन्होंने अभिनय किया है, जैसे लक्ष्मीकांत, यहाँ पर आप ब्रैकेट में देखेंगे किसने किसका अभिनय किसने किया है, तो लक्ष्मीकांत चौहान जो यहाँ पर किरदार थे उनका अभिनय किया है अक्षय कुमार ने। और गायत्री जो यहाँ पर किरदार थी उनका अभिनय किया है राधिका आप्टे ने। सोनम कपूर ने किया है परी वालिया का और सुनील सिन्हा ने किया है प्रोफेसर तेजस वालिया का। और ये जो मूवी है ये किस पर आधारित है, ये बेसिकली जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं उनके क्या क्या समस्याएं होती हैं गांवों में, उन चीज़ों को लेकर इसमें दिखाया गया है। तो मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा यहाँ पर, अगर आपने कुछ मूवी ऐसी हैं जो मैंने नहीं देखी है और मुझे उनके बारे में नहीं पता है कि उनकी स्टोरी किस पर आधारित है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपस में ये चीज़ें शेयर करें कि जो मैं आपको मूवी यहाँ पर बताऊंगा कि उसकी स्टोरी उस पर एक बेस है, एक छोटा सा कमेंट अपना कर दें ताकि आपस में आप डिस्कस कर सकें और जो कमेंट आपकी देखें वो भी ये समझ जाए। क्योंकि यहाँ से अभी क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पर पूछा गया था अभी रिसेंट में जो आपके एग्जाम हुए हैं कि पैडमैन जो मूवी है वो किस पर आधारित है, तो जो मूवी आपने देखी है आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं तो एक बार छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि ये मूवी का नाम लिखकर कि ये मूवी इस स्टोरी पर आधारित है, राइट। इससे काफ़ी आपका बेनिफिट होगा, आपस में लोग शेयर करेंगे, जो कुछ हो रहेंगे वो भी शेयर करेंगे, आप भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है राजकुमार राव की मूवी है न्यूटन। न्यूटन मूवी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके डायरेक्टर आप याद रखना है, अमित माशुरकर इसके डायरेक्टर हैं। और यहाँ पर जो न्यूटन का किरदार निभाया था वो निभाया था राजकुमार राव ने। और मैं बताऊँ ये मूवी जो है छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद एरिया है वहाँ पर दर्शाई गई है, उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो नक्सलवाद एरिया है वहाँ पर एक न्यूटन नाम का जो लड़का है वो किस तरीके से वोटिंग के लिए जिज्ञासु होता है और वहाँ पर आर्मी को लेकर वो जाता है। और उस आर्मी के जो उस टाइम पे कैप्टन होते हैं पंकज त्रिपाठी ने उसका रोल निभाया है, उनका नाम होता है आत्मा सिंह, ठीक है। और अंजलि पाटिल जो इनकी एक सहायक होती हैं वोटिंग में, उनका नाम है मालको उस मूवी के अंदर। तो ये चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पर अगर आप जानते हैं किसी भी मूवी के बारे में। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, न्यूटन मूवी को जो मिला है अवार्ड इस बार, न्यूटन मूवी को हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला है, 65वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म, ठीक है। और जो बेस्ट फिल्म का मिला है इस बार 65वां फिल्म फेयर, वो मिला है विलेज रॉक स्टार को, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। नेक्स्ट है इरफान खान, और इरफान खान की एक मूवी आई थी अभी रिसेंट में हिंदी मीडियम, ठीक है। और ये है इन्होंने जो किरदार निभाया है राज बत्रा का, और शबा कमर जो यहाँ पर हीरोइन थी इन्होंने निभाया मीता बत्रा का, दीपक डोबरियाल ने श्याम प्रकाश का, और इसके डायरेक्टर हैं साकेत चौधरी। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, ये मूवी मैंने देखी नहीं है, तो अगर आपने देखी है किस तरीके की स्टोरी है तो आप इसके बारे में थोड़ा बता देंगे कमेंट में। नेक्स्ट है टॉयलेट, एक प्रेम कथा, और इसमें अभिनय किया है केशव का अक्षय कुमार ने, और जो जया है इसमें इनकी जो पत्नी होती है उनका अभिनय किया है भूमि पांडेनकर ने, और सुधीर पांडे जो अक्षय कुमार के इसमें पिता होते हैं यानी कि केशव के पिता होते हैं पंडित विमल नाथ शर्मा, उनका जो अभिनय किया है वो किया है सुधीर पांडे ने। अनुपम खेर जो इसमें ये आप जया होती है, जो जया उसके पापा होते हैं दीनानाथ जोशी, और इसको डायरेक्ट किया है श्री नारायण सिंह ने, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, और ये आप समझ ही रहे होंगे ये भी एक रियल स्टोरी पर आधारित मूवी है जिसमें टॉयलेट को लेकर काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है, टॉयलेट की रिक्वायरमेंट को लेकर बेसिकली। तो नेक्स्ट है हमारी बाहुबली। बाहुबली से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो सारे मैंने जो मैन इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं यहाँ पर
कवर कर लिए हैं, जैसे प्रभास ने रोल किया था बाहुबली का, राणा दुग्गावती ने किया है भल्लाल देव का, सत्या राज ने कटप्पा का और अनुष्का शेट्टी ने देवसेना का, तमन्ना भाटिया ने अवंतिका का और रमिया किशन ने शिवगामी का, और नाशर यहाँ पर बीजल देव हैं और प्रभाकर जो है काल काय का रोल इन्होंने किया है। इसके डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो SS राजमौली इसके डायरेक्टर हैं, और स्टोरी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने सभी ने ये मूवी देखी होगी। नेक्स्ट है दंगल। दंगल मूवी में जो अभिनय किया है आमिर खान ने किया था, महावीर सिंह का रोल इन्होंने निभाया था यहाँ पर, और गीता फोगाट का जो बचपन का रोल था वो निभाया था फातिमा सना शेख ने, और बबीता कुमारी का जो बचपन का रोल था वो निभाया था सानिया मल्होत्रा ने, और जायरा वसीम ने निभाया था यंग गीता का, यानी कि जो बड़ी गीता थी उनका निभाया था जायरा वसीम ने, और सुहानी भटनागर ने निभाया था यंग बबीता का, ठीक है। और इसके डायरेक्टर हैं नीतीश तिवारी, और ये मूवी को इसको 62वां फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, 62वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला था दंगल मूवी को बेस्ट फिल्म का, और 63वें की अगर बात करूँ फिल्म फेयर की तो वो मिला है हिंदी मीडियम को, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मैरी कॉम। मैरी कॉम में आप बस इतना जान लीजिए जो प्रियंका चोपड़ा है उन्होंने रोल किया है मैरी कॉम का, जो आप जानते हैं सभी उनके बारे में, और इसके डायरेक्टर हैं उमंग कुमार। इसके डायरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसी मूवी जो किसी ना किसी स्पेशल करेक्टर को लेकर दर्शाई गई है ऐसी मूवी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर कवर किया है, या रियल बेस पर होती हैं उनको कवर किया गया है, ठीक है। तो स्टोरी आप लोगों को पता होगा इनकी, बॉक्सिंग को लेकर इसमें दर्शाया गया है, काफ़ी अच्छा इसमें मोटिवेशन लोगों को मिलता है। नेक्स्ट है अक्षय कुमार की गोल्ड, अभी जो रिसेंट में आई है। अक्षय कुमार ने रोल किया है तपन दास का, और यहाँ पर मौनी रॉय है मोना बिना दास, और कुणाल कपूर ने किया है सम्राट का, और अमित साध हैं इसमें रघुवीर प्रताप सिंह, और डायरेक्टर हैं रीमा कागती। डायरेक्टर हैं रीमा कागती, और ये मूवी बेसिकली मैंने देखी नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में कमेंट करेंगे कि किस तरीके की मूवी है और उसमें क्या चीज़ समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है श्रीदेवी की जो मूवी आई थी रिसेंट में, जब उनके एक्सपायर होने से पहले, वो थी मोम, और मोम के लिए इन्हें अवार्ड भी मिला है, अभी श्रीदेवी को अवार्ड मिला है, श्रीदेवी को बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर, इनको पुरस्कार दिया गया है मोम के लिए ही, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने जो रोल किया था वो किया था देव की साबरवाल का श्रीदेवी जी ने, और अक्षय खन्ना ने इसमें रोल निभाया था मेथव फ्रांसिस का, और इसमें अदनान सिद्दीकी भी थे, इन्होंने निभाया था आनंद सावरवाल का, और डायरेक्टर हैं इसके रवि उदयवार। तो इसके बारे में भी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है किस तरीके की स्टोरी है, आप कमेंट करेंगे अगर आपने ये मूवी देखी है। नेक्स्ट है दीपिका पादुकोण वाली और रणवीर सिंह वाली जो, और शाहिद कपूर वाली मूवी आई थी पद्मावत। पद्मावत में जो रानी पद्मावती जी हैं उनका रोल किया था दीपिका पादुकोण ने, और यहाँ पर महाराज रतन सिंह का रोल किया था शाहिद कपूर ने, अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया था रणवीर सिंह ने। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मलिक काफूर जो था उसका रोल किया था जिम सरभ ने, जिम सरभ ने मलिक काफूर का रोल किया था, क्योंकि मलिक काफूर का जो इतिहास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ा है तो इसका नाम कई बार आपने सुना होगा। डायरेक्टर हैं इसके संजय लीला बंसाली। नेक्स्ट है रणवीर सिंह बाजीराव मस्तानी, और यहाँ पर आप देखेंगे जो पेशवा बाजीराव बल्लाल थे उनका रोल किया था रणवीर सिंह ने, और दीपिका पादुकोण ने किया था मस्तानी का रोल, और प्रियंका चोपड़ा ने किया था काशीबाई का रोल। यहाँ पर महेश मांजरेकर जो थे उन्होंने छत्रपति साहू महाराज का रोल निभाया था, और इसको डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। स्टोरी आप लोगों को पता होगा, फेवरेट मूवी रही होगी कुछ लोगों की, काफ़ी चर्चा में रही थी और हिट भी गई थी। नेक्स्ट है रुस्तम। अक्षय कुमार की रुस्तम, रुस्तम पावरी का इन्होंने यहाँ पर अभिनय किया है, और इलोना डिक्रूज जो होती हैं इसमें सिंथिया पावरी का इन्होंने रोल किया है, ये इसकी वाइफ होती हैं अक्षय कुमार की, और इसको डायरेक्ट किया है धर्मेंद्र सुरेश देसाई ने, ठीक है। रुस्तम ये बेसिकली एक जो कैप्टन होते हैं उसी के ऊपर एक लव स्टोरी टाइप की मूवी है, आप लोगों ने देखी होगी तो आप जानते होंगे। नेक्स्ट है कि सोनम कपूर की एक मूवी आई थी नीरजा बनोट, नीरजा आई थी नीरजा बेसिकली, और नीरजा बनोट का जो रोल किया है इसमें सोनम कपूर ने किया है, और राम बनोट का जो रोल किया है उसमें सबाना, रमा बनोट होगा शायद ये, सबाना आजमी ने इसका रोल किया है, और डायरेक्ट किया है इसने
डायरेक्ट किसने किया है इसे? राम माधवानी, राम माधवानी ने डायरेक्ट किया है। नेक्स्ट है उड़ता पंजाब, और उड़ता पंजाब में टोमी सिंह का जो रोल किया है शाहिद कपूर ने, आलिया भट्ट का जो रोल रोल निभाया है, आलिया भट्ट ने जो रोल किया है वो है कुमारी पिंकी का, और करीना कपूर ने जो किया है प्रीत सहनी का, और दिलजीत दोसांझ ने जो रोल किया है वो है सरताज सिंह का रोल इसमें इन्होंने निभाया है, और इसको डायरेक्ट किया है अभिषेक चौबे ने। और आपके लिए बता दूं, अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट चेक नहीं की है, इस तरह की जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो उसको सबको मैंने कवर कर दिया है, रेलवे ग्रुप डी स्पेशल के नाम से आपको मिल जाएगी, तो एक बार वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। सारी बुक जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सबको कवर कर दिया है मैंने। नेक्स्ट है हमारी अक्षय कुमार की मूवी, रंजीत कटियाल का रोल निभाया था इन्होंने, और काफ़ी अच्छी मूवी थी ये। अक्षय कुमार ने रंजीत कटियाल का रोल निभाया था, और ये बेसिकली जो विदेश में फंस जाते हैं कुछ लोग, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा क्या था, शायद वो कुवैत था या दुबई था, समझ नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वहाँ पर कुछ फंस जाते हैं लोग इंडियन, वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है शासन को लेकर, तो उस दौरान वहाँ से जो कुछ इंडियंस को लाना होता है, बहुत सारे इंडियंस थे उनको भारत लाया गया, और इनमें महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई रंजीत कटियाल ने, जो कि एक बिजनेसमैन थे उधर वहाँ पर विदेश के अंदर, और निम्रत कौर इनकी वाइफ थी इसमें, और ये इनका जो वाइफ थी वो थी अमृता कटियाल इनकी वाइफ थी इस मूवी के अंदर, और इसका अभिनय जो किया था वो निम्रत कौर ने किया था। कुमुद मिश्रा का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। कुमुद मिश्रा जो है संजीव कोहली का जो रोल था वो कुमुद मिश्रा ने किया था, ठीक है। और ये जो संजीव कोहली होते हैं ये एक LDC वगैरह होते हैं, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क हैं या अपर डिवीजन क्लर्क हैं, मतलब क्लर्क की पोस्ट पर रहते हैं ये, और ये गृह मंत्रालय के अंदर होते हैं, जिनकी बात होती है रंजीत कटियाल यानी कि उस समय के अक्षय कुमार रंजीत कटियाल से, और ये काफ़ी हेल्प करते हैं इनकी वहाँ से लोगों को यहाँ पर लाने में, और इसको डायरेक्ट किया है राजा मेनन ने इसको डायरेक्ट किया है। नेक्स्ट है जॉन अब्राहम की मूवी, अभी रिसेंट में आई है परमाणु, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि इसके डायरेक्टर कौन है, तो इसके डायरेक्टर हैं अभिषेक शर्मा, और यहाँ पर जॉन अब्राहम ने जो भूमिका निभाई है वो कैप्टन अश्वथ राणा की, और बोमन ईरानी ने जो निभाई है हिमांशु शुक्ला की भूमिका निभाई है, और डायना पेंटी ने यहाँ पर निभाया है कैप्टन अमेरिका का रोल। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट मूवी जो हमने कवर की है, ऐसी वीडियो आपको और भी मिलती रहेंगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।